ठीक है, ये सैमसंग का डबल डोर फ्रिज है। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि इसमें कूलिंग नहीं हो रही है। कंप्रेसर चल रहा है, कंप्रेसर ठीक है, गैस भी है, मगर दिक्कत ये है कि कूलिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। और हमने कंप्रेसर टेस्ट कर लिया, कंप्रेसर एकदम ओके है, गैस भी ओके है, मगर प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये है कि कूलिंग नहीं हो रही है। ऊपर हल्की फुल्की हो रही है, नीचे बिल्कुल नहीं हो रही है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, इसमें जो प्रॉब्लम है वो फ़ैन की है। फ़ैन का जो फ्लो है बिल्कुल नहीं आ रहा है, फ़ैन की जो स्पीड है वो बिल्कुल नहीं है। इसे ओपन करते हैं। सबसे पहले आपको ये ओपन करना है, इसको ये हटा लेना है और ये हटा लेना है, ये दोनों हटा लेना है। और ये स्क्रू हमने निकाल दी जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो, वीडियो आप ज़्यादा ना देखें, और इसको आराम से आगे की तरफ खींच लेना है। ठीक है, और फिर क्या करना है आपको, दोनों जैक निकाल लेना है। एक ये थर्मास्टेट वाला जैक निकाल लेना है, ये वाला, इसको अच्छे से प्रेस करना है, उसको निकाल लेना है। ठीक है, एक ये वाला जैक आ गया और एक फ़ैन मोटर वाला जैक आ गया, ये इसको भी ठीक से निकाल देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा फ़ैन मोटर का, और इसको बाहर ले लेना है। ठीक है, हमने इसकी जो फ़ैन मोटर है वो नीचे निकाल दी, और आपको दिखाते हैं कैसे निकाल के उसको रिप्लेस करना है। ठीक है, ये है फैन मोटर, तो इसको, इसका ये स्क्रू है, इसको ओपन कर लेना है, इसको ओपन करके, और इसको इसको ध्यान से ये देखें आप, एक लॉग ये है और एक इस साइड में लॉग है, ये वाला लॉग है इस साइड में। ठीक, इन दोनों को आप आराम से सुकून के साथ इनको टेस्टर से हटा देना है। ठीक है, ये चीज़ हटा देना, और इसका जो ब्लेड है इसको निकाल लेना है। पहले ये दो स्क्रू ओपन करना है, इसको बाहर कर देना है, इसको निकाल देना है, इसका बस इसमें डाल देना है, ये वाला फैन मोटर ये निकाल देना है। एक हमारे पास नया मोटर है, ये पुराना वाला है, ये नया वाला है, इसको अलग रख देते हैं और ये वाला डाल के आपको दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम डाल के दिखाते हैं आपको, इसको हम अब इसमें डालते हैं। ठीक है, जैसे हमने मोटर निकाली थी पुरानी वाली, ये वाली हमने वैसे ही ये फिट कर दी है, इसका ब्लेड लगा दिया है और इस मोटर को हमने फिट कर दिया नया वाला। अब हमको इसको लगा देना है इसमें। ठीक है, ये नई वाली हमने मोटर लगा दी, हमने इसको चारों स्क्रू लगा देना है, और ये हमारी जो पुरानी वाली मोटर थी हमने इसको निकाल दिया, जैसे इसको निकाला है वैसे ही इसको लगाना है नई वाली को। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जैसे आपको खोलना है वैसे ही लगाना है। ये चारों स्क्रू हम लगा देते हैं, ये हमने चारों स्क्रू लगा लिए हैं, इसके मोटर के जो पैनल है इसके चारों स्क्रू लगा लिए। अब हमें इसको इसमें फिट कर देना है, ध्यान रखना है जैसे हमने निकाला था वैसे ही फिट कर देना है। सबसे पहले हमें मोटर का जैक लगाना है इसमें, ठीक है, हमने ये वाला जैक लगा दिया, ये हमारी जो फैन मोटर का ये वाला जैक है हमने लगा दिया। हमें इसे थर्मास्टेट वाला लगाना है, देखो ये थर्मास्टेट वाला भी लगा दिया हमने, दोनों जैक लगा दिए। हमें इसको अच्छे से बैठा देना है, ठीक है, इसको हमने जो कवर है इसको हमने अच्छे से लगा दिया है। अब ठीक है, इसके दो स्क्रू लगाना है, सबसे पहले आपको स्क्रू लेना है और इसमें लगा देना है, ये स्क्रू इसमें लग जाएगा, अच्छे से टाइट कर लेना है, सेम इधर भी ये स्क्रू टाइट कर देना है।
ठीक है, दोनों स्क्रू लगा दिए हैं। इसकी कैप लगा देना है आपको, ध्यान रखना है ये सेंटर में ऐसे लगा देना है, ये ठीक है लगाना है और एक इधर लगाना है, ये दोनों लग गई। अब उसके बाद हम फ्रिज स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, हमने सारा काम कर दिया, सारा एकदम रेडी कर दिया, जो चीज़ जहाँ लगी थी वैसे ही लगा दी, और ये रही मोटर ख़राब वाली। अब हमें बस क्या करना है, इसको चेक करना है, चेक करके आपको दिखाते हैं कि फ़ैन चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक ठीक है, हमने फ़ैन मोटर लगा दिया है उधर। अब हमें इस समय कंप्रेसर चलाना है, कंप्रेसर चला के आपको दिखाना है। और इसको क्लैंप मीटर हम एम्पियर पे सेट कर देते हैं, हमने 200 एम्पियर पे इसको सेट कर दिया। और इसको हमने कॉमन पे लगा देना है, जो हमारी ओवरलोड की कॉमन होती है इस पे लगा देना है। फिर हमको कंप्रेसर स्टार्ट करना है। ठीक है, हम फ्रिज ऑन करते हैं और इस समय आप देख रहे हैं जी 0.9 एम्पियर ले रहा है, मतलब एक से भी कम एम्पियर ले रहा है। ठीक है, बिल्कुल एक एम्पियर लेना चाहिए और इतना ही एम्पियर लेना चाहिए इस समय, बिल्कुल ठीक है। अब हम आपको फ़ैन स्पीड दिखाते हैं कि फ़ैन चल रहा है या नहीं चल रहा है, आगे जाके फ़ैन आपको दिखाते हैं कि चल रहा है नहीं चल रहा है। यहाँ तक ये ठीक है और इसमें गैस भी है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, इसका फ़ैन भी चल रहा है, एकदम कूलिंग भी अच्छी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हवा का फ्लो एकदम अच्छा है, एकदम अच्छे से है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कभी भी ऐसी दिक्कत आए तो आप ऐसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। खुदा हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।